Hello friends, welcome to my channel BS Education Submit. Today I am here to discuss English vocabulary, idioms and phrases or article discuss karenge from the Hindu editorials, Indian Express, both newspapers se jo bhi apne ko article acche lage wo apan article discuss karenge aur unme se vocabulary bhi apan discuss karenge. If you are new student in my channel so please like the video, share the video and subscribe my channel taki koi bhi video upload ho to turant aap notifications receive ho jaye. बीसीटी स्टूडेंट्स के इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है सर, इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसी के बेसिस पर मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ वोकैबुलरी विद सेंटेंस के साथ. देखिए वोकैबुलरी आपको पावर इंग्लिश में अच्छी, आपको इंप्रूवमेंट, अच्छे मार्क्स आपको गेन करने, तो प्लीज वोकैबुलरी पावर आपकी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कीजिए. वोकैबुलरी जितनी ज्यादा आपकी पावर इंप्रूवमेंट होगी 100% इंग्लिश में अच्छे से मार्क गेन करवाए रेगुलर बेसिस. मेरा मैं आपके लिए एक तरह से कोशिश भी कर रहा हूँ, आपके लिए एफर्ट भी कर रहा हूँ वोकैबुलरी प्रोवाइड करना विद सेंटेंस के साथ. जो आर्टिकल्स कैसे रीड आउट करते हैं, किस टाइप से आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं, जो एडिटोरियल्स का, उसी में इसमें आपको एक तरह से कह सकते हैं गाइड भी करता हूं. तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है सेशंस, अच्छे लगे सेशंस, तो प्लीज लाइक करना सेशंस को ना भूलें. ठीक, लेट्स बिगिन द सेशन. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज 2 जुलाई 2019 आप सभी का दिन मंगल में हो. इसी काम के साथ मोटिवेशन कोट हियर इट इज. सक्सेसफुल स्पीरियर इज द एवरेज मैन विथ लेसर लाइक फोकस. जो सक्सेसफुल मैन है, जो बुद्धिमान एक तरह से सफलता पा लेता है, सफलता पा लेता है, वेरियस इज द एवरेज मैन विद लेसर लाइक फोकस. जो वो सक्सेसफुल बात है वो एक तरह से कह सकते हैं अपन फोकस, अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी में फोकस उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसकी बेसिस पे. ओके, जो सक्सेसफुल आता है उसका फोकस यानी कि एक तरह से केंद्र उसका टारगेट वही है कि हाँ मेरे को ये एक तरह से जॉब लगनी है, चाहे एच बी क्लर्क हो, चाहे एच बी पीओ मेन्स, SBPO हो, चाहे IPS, RIP हो, CHSL, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आपको जॉब लगनी है तो आपका फोकस उसी के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए और अच्छे से अपनी ध्यान एकाग्रित करके पढ़ सकें, अपनी स्टडी कर सकें. ओके, दिस इज द मोटिवेशन स्कोर. ओके, देखिए नेक्स्ट टुडे इज 2 आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से 2 या 3 क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे CHSL के प्रिपरेशन कर उनमें से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं. 100% मैं बताऊंगा आपको किस बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं एंड बैंकिंग के सेक्टर से उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. ओके ओके, मैं आपको बताऊंगा CHSL के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. जो CHSL या MTS के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी देखिए इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स एक तरह से NRC के बारे में है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजंस. एंड सेकंड आर्टिकल्स ऑफ महाना वन पोल वन नेशनल्स वन पोल है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसके बेस पर आर्टिकल्स है. ओके, देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स अपन डिस्कशंस करते हैं, सेकंड आर्टिकल्स भी अपन डिस्कशंस कर लेंगे. थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू एक तरह से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रेज करते हैं वही अपन डिस्कशंस करेंगे. बाकी ओवरऑल आपको रीड आउट करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज रीड आउट कीजिएगा दोनों आर्टिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. इसमें से वोकैबुलरी मैंने वोकैबुलरी जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है वो मैंने एक तरह से आइडेंटिफिकेशन करके आपको सेंटेंस आ गई, अपन वोकैबुलरी पढ़ेंगे. ओके, देखिए इमिटेशंस रजिस्ट्री, इमिटेशंस मींस फेक, जिसकी कोई नकल एक तरह से कॉपी करना, एक तरह से कहते हैं कॉपी, किसी चीज की कॉपी करना एकदम किसी पर्सन की, किसी कंट्री की, किसी स्टेट की कॉपी करना उसको बोलते हैं इमिटेशन. ओके, याद रखिएगा इमिटेशंस रजिस्ट्री, इमिटेशंस रजिस्ट्री. ओके, नकल की एक तरह से कहते हैं रजिस्ट्री. आपको मालूम होता है ये NRC के बेसिस पर, MRC आपके. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन नागालैंड देखें, जैसा कि नागालैंड में मालूम होगा नागालैंड में अभी NRC के बेसिस पर कार्य चल रहा है. असम में भी लगाई थी एंड असम में जो जो एक तरह से लूप होल्स थे किस किस रिलेटेड, अभी आपको मालूम है 40 लाख पीपल्स आउट ऑफ सिटीजंस के बेसिस पर 40 लाख पीपल्स आउट ऑफ द रजिस्ट्री, उसमें से आउट हो गए हैं इनकी नेशनल सर्विस NRC के बेसिस पर. NRC के बेसिस पर 40 लाख पीपल्स आउट हो गए हैं कि उनका भी एक तरह से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंडियन है. आपको मालूम होगा NRC क्या है, जो इंडिया का करंट इंडिया में रहता है और इंडिया का ही एक तरह से कह सकते हैं इंडिया में रहता है, इंडिया में खाता, वह एक तरह से इंडियन मूवमेंट है, इंडियन पीपल्स है, उसी के बेसिस पर NRC में उनको ही इंक्लूड किया गया है. जो बाहर से है इसको बोलते हैं रोहिंग्या. ओके, उनको बोलते हैं रोहिंग्या, उनको नहीं इंक्लूड किया जाता है. तो लगभग 40 लाख पीपल्स वहाँ पर इनको एक तरह से अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया है, वहाँ से आइसोलेट कर दिया है कि इस NRC रजिस्ट्रेशन में उनकी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि उनके पास ना डॉक्यूमेंट है ना राशन कार्ड, जो बोलते हैं एक तरह से जो आइडेंटिटी है इंडिया की आइडेंटिटी वहाँ भी नहीं है. तो उसी के बेसिस पर इस बेसिस आप किसको फैक्टर लेंगे, लेकिन 40 लाख पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं याद रखिएगा, एक तरह से ये कह सकते हैं लूप खोलता है.
की बेसिस पर अब नागालैंड में ये इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। नागालैंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो असम में लोग बोलते हैं वो कमियां ना है, कौन कौन सी कौन कौन से पर्सन कौन कौन सा एलिजिबल है, कौन किसको किसको लिया जाता है, वो एक तरह से लिमिट हो, एक तरह से तय हो जाए कि हाँ उन चीज़ को लिया जा सकता है। इस तरह का फैक्टर वापस लूप होल्स हो, जो 40 लाख पीपल जो वो नागालैंड में इस प्रक्रिया का जो अदर अदर स्टेट में अप्लाई करे तो ऐसी प्रक्रिया ऐसी लूप होल्स कमियां ना दिखे। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द आर्टिकल्स एंड टेक एंड देख नागालैंड के बारे में दिया तो नागालैंड के बारे में ऑल ओवर कंट्री ऑल ओवर नागालैंड के बारे में आपको डिस्कशन एक तरह से पूरा पता होना चाहिए। कैपिटल्स, करेंसी, म्यूजियम, गवर्नमेंट कौन है, करेंसी तो नहीं गवर्नमेंट कौन है वहाँ का, कैपिटल्स कौन है एंड कैपिटल्स क्या है एंड आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रिपेयरिंग एसएससी सीएचएसएस एनटीएस तो 100% आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेज कर सकते हैं, क्योंकि नागालैंड करंट सिचुएशन में अभी जिनका भी एग्जाम्स है उनमें 100% फ्यूचर है। पिछले कुछ सीजीएस में आपको मालूम है गोवा का गवर्नर, गोवा का मुख्यमंत्री, वहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ था कुछ दिन पहले, महाराष्ट्र कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़, इसमें से जो पूछते हैं तो नागालैंड अभी करंट में चलता है, न्यूज में है इन्फॉर्मेशन तो नागालैंड के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखिए नागालैंड की करेंसी आपको नागालैंड की कैपिटल्स आपको मालूम है कोहिमा, इज द कैपिटल्स ऑफ नागालैंड, कोहिमा याद रखिएगा। एंड चीफ मिनिस्टर आपको मालूम है नेफिही रियो याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर सीएम कौन है नेफिही रियो। ओके, एंड देन गवर्नर आपको मालूम है पद्मनाभ आचार्य। ओके, देखिए लिख देता हूँ ई, ये कन्फ्यूजन हो सकता है PADMA. ओके, पद्मनाभ आचार्य ये नाम है, ये गवर्नर है एंड चीफ मिनिस्टर नेफिही रियो एंड करंट एंड कैपिटल्स आपको कोहिमा। ये नागालैंड के बारे में डिटेल्स में आपको डिस्कशन सी एच एस एल एन टी एस की इन्फॉर्मेशन जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हो उनमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो प्लीज रट लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको रेज कर रहा हूँ बता रहा हूँ, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा एक मिनट से कैसे रट लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से रेज होते हैं। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल्स अब लैटेंट आपको मालूम है बहुत ज्यादा बार यूज हुआ है, लैटेंट यानी कि जबरदस्त एक तरह से जा सकते हैं। क्वेस्ट टू कंसोलिडेटेड पावर, कंसोलिडेटेड यानी कि क्वेस्ट आपको मालूम है सर्च करना, किसी चीज़ की खोजबीन करना, फाइंड करना, इट्स कॉल्ड बी क्वेस्ट टू कंसोलिडेट कंसोलिडेटेड पावर, एक तरह से जो पावर मिली है कंसोलिडेटेड एक मत होकर जो पावर मिली है उसी के बेसिस पर वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से कह सकते हैं तय हो सकता है, एक तरह से कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन तय हो सकता है। बहुत सारे बेनिफिट है वन नेशन वन इलेक्शन पे, इसमें ऑल ओवर बेनिफिट्स भी दिए गए हैं किस बेसिस पर क्या क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अपने लिए, कितना टाइम बच सकता है, कितनी अपना धन जो इन्वेस्ट होता है जो खर्च होता है वो बच सकता है, तो इसमें ऑल ओवर द आर्टिकल्स में दिया गया। यही दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज रीड आउट करिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा 100% आप रीड आउट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आए, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 100% आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, दिस इज द ऑल ओवर द आर्टिकल्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड समथिंग, आपको अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट द लाइक बटन को प्रेस करें। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, देखिए टू डेज वियतनाम, देखिए मैं जो हमेशा आपके बारे में डिस्कशन करता हूँ रेगुलर बेसिस पे तो 100% उसमें से क्वेश्चन जरूर रेज हूँ, अलग अलग कंट्री के बेल्जियम हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, सारे कंट्रीज के मैंने ऑल ओवर डिस्कशन कर दिए हैं। अब कुछ रिवाइज भी होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से रिपीटेशन आपके अभी हो सके। देखिए टुडेज कंट्री वियतनाम, वियतनाम को मालूम है हाँ इज द कैपिटल्स ऑफ वियतनाम, सी एच एस एल अपकमिंग एग्जाम जिनका भी एग्जाम्स हैं अब 4-5-6 साल को उनके 100% दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज रख लीजिएगा। ओके, करेंसी डॉन इज द करेंसी ऑफ वियतनाम एंड वियतनाम इज नेशनल लैंग्वेज एंड फॉल्क ऑफ रिलीजियस एंड प्राइम मिनिस्टर न्यूजियन जॉन स्पूक एंड वाइस प्रेसिडेंट न्यूजियन स्पूक फ्रॉम ओके नेशनल असेंबली। देखिए सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड स्टेटस इसमें इंपॉर्टेंट है, अनोइंग और करेंसी डॉन, ये स्टैटिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लीज रख लीजिएगा। मेरा मोटो ओनली फॉर यू आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे से गेन करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से देगा। ओके, इफ यू आर अच्छा लगा आपको सेवन स्टार तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, लाइक से मैं अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, प्लीज लाइक करना सेशन को ना भूलें एंड शेयर करना भी ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जान सकें।
आई ये मूविंग ऑन वोकैबुलरी पे चलते हैं इंडिजिनस बहुत ही कॉमन वर्ड है इंडिजिनस एक्चुअली तरह जो होता है हम ग्रोन जिसको बोलते हैं स्वदेशी ओके याद रखिएगा वी शुड फोकस ऑन इंडिजिनस थिंग्स आज मैंने बहुत अच्छे सेंटेंस क्रिएट किए 100% आपके लिए देख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी एग्जांपल्स भी अच्छे एग्जांपल्स एकदम इजी लैंग्वेज में ताकि आपको अच्छे से वर्ड्स की पावर अच्छे से समझ में आ सके ओके इमिटेशन जैसा कि मैंने कहा था फेक फैक्टिकल्स जो एक तरह से नकल करना किसी चीज की नकल करना कॉपी करना इस पर भी इमिटेशन ओके एग्जांपल इज नागालैंड इज डूइंग इमिटेशन ऑफ असम एंड आरसी ये दिस इज द करंट एग्जांपल्स करंट इंफॉर्मेशन के बेस पर ओके डिपोर्टेशंस यानी कि डेलीगेशंस डिपोर्टेशंस यानी कि डेलीगेशंस नाउन की तरह जो होता है ऑल ओवर वर्ड्स आई ओ एन जिनके भी बैक साइड में ना आई ओ एन हो पीछे वो नाउन की तरह यूज होते हैं ओके In 1947, at least 50 lakh people deported from India. Deported from India to Pakistan. India to Pakistan deported. Okay, these are all triggers. With the sentence, take a screenshot. With the sentence, can take a screenshot. लेना है तो पहले इनको sentence आप देखिए. मैं बता दूँ English कैसे prepare करनी. English जो भी words आपको मैं 10 words regular basis पे देता हूँ. Weekly आपको 60 words together मिल जाते हैं. तो 100% उसमें से आपका अगर regular basis पे follow करें तो 100% 60 में से आपको 30-35 पीपल भी रिमेंबर हो तो वेल एंड गुड है आपके लिए भी अच्छी बात है एक तरह से कैसे कि आपके लिए भी मेरे लिए भी देखिए फोर्थ मूविंग फोर्थ है आपके पोस्टरिंग यानी कि तेवर करना आपके तेवर को इट्स कॉल्ड द पोस्टरिंग ओके नाउन की तरह यूज होता है याद रखिएगा उसकी उस शुड यू कीप यू कंट्रोल आवर पोस्टरिंग ओके फिफ्थ देखिए सेग्रीगेशन यानी कि आइसोलेशन किसी चीज को अलग अलग कर देना इट्स कॉल्ड द सेग्रीगेशन ओके ruling party and opposition so segregation is harmful for Indian citizens on NRC okay unvaluables unvaluables means yani ki ek tarah se executory use hota hai not profitable alabkari ko jiska koi labh na ho hit na ho it's called be unvaluables okay few things are good in book like but they are unreliable okay yaad rakhiye this is the very very important this is the new word for the sixth and the fourth yaad rakhiye seventh was the distortions yani ki perversions okay distortion the distortions however is a modern phenomenon okay unfold yani publish karna kisi cheez ko expand karna spread karna phailana ek cheez se bahut acche tarike se phailana it's called be unfold okay verb ki tarah use hota hai yaad rakhiyega okay the outcomes depends on conditions as well as how events unfold okay latent aapko malum hai apne maine bataya tha evident and doubt zabardast ek tarah se he accused the daring publicists of a blatant opportunism okay these are all nine words with the sentence create a screenshot kabhi bhi time mile tumhe update out kar sakte hain agar aapko acche lage if you like my effort if you like the vocabulary words if you like the sentences to please don't forget the like button mein press karna na bhule subscribe karna channel ko na bhule taki aise video aapko 100% regular basis pe milte rahe taki aapki english ki improvement ho paaye okay today's word of the day halogenations bahut hi acha word hai this is the new words for आपके लिए बहुत न्यू वर्ड सही है एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चल रही है सुपर सीजंस एंड बैटरी जिसको बहम कुछ पर भी वहां पर ये यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन ओके एग्जांपल देखिए हाई टेंपरेचर्स कैन कॉज ऑर्गेनाइजेशन ओके बहम तरह से कह सकते हैं ओके मीडियम सरफेसेस देखिए द एक्चुअल सील्स यानी कि वीक पॉइंट किसी का वीक पॉइंट और कमजोर पॉइंट हो इसको भी द एक्चुअल सील्स बहुत ज्यादा यूज होती है एसएससी सीएचएस में मीडियम्स ओके हार्क ब्रेक रिमेंबर रिकॉल्स किसी चीज को रिमेंबर करना याद करना इट्स कॉल्ड बी हार्क ब्रेक ओके फाइंड आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट यानी कि प्रिवेंट समथिंग फाइंड आउट ओके याद रखिएगा डाल आउट यानी कि एलोकेट करना समथिंग एलोकेट आवंटित करना इट्स कॉल्ड बी डाल आउट ओके दिस फोर सीडियम्स एंड फ्रेजेस अब सेंटेंस के लिए ये मीडियम से फ्रेजेस से संबंधित है वोकैबुलरी के बेसिस पे प्लीज इफ यू लाइक द सेशंस तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए प्लीज सब्सक्राइब करना लाइक ही मेरा मोटिवेशन से देखिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है सेंटेंस क्रिएट करने में वोकैबुलरी सेंटेंस क्रिएट करने में वोकैबुलरी आइडेंटिफिकेशन करने में टाइप करने में तो प्लीज लाइक करना सेशंस को ना भूलें ओके दीज आर 10 वर्ड्स टेक अ स्क्रीनशॉट कभी भी आपको तुरंत टाइम मिले तो तुरंत आप एक साथ पढ़ सकते हैं ये 10 वर्ड्स है सेंटेंस क्रिएट करना तो सेंटेंस आप बेस्ट वीडियोस में मैंने सेंटेंस भी क्रिएट किए हैं सेंटेंस आपको बताएं वो सेंटेंस भी आप क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट देख सकते हैं या अपनी नोटबुक में देख सकते हैं ओके थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सेविंग्स आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस प्लीज इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज लाइक द
लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें, फ्रेंड के साथ इनका लिंक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।